नमस्कार, आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। बिलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं, न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ का स्वागत करते थे और अपना गोईया मना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट बाद भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, और पदने के बेद क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो क्यों मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं? हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखे मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो मेरे पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं।
जब गया ने अमरूद खाया तो फिर मुझसे दाव लेने का उसे क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे, यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे भी कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा, लगा मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं, यहाँ सब चीजें सस्ती थीं और मोहल्ले की स्त्रियों से घराब सा हो गया था, लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था, वहां ऐसे घर ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाहों में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते हुए इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद था पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें फैलाए अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थीं, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में, रौब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो? बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहेब का साइज हूँ। मती, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मती तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी वो प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़।
बेचारा झेंप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी बराबर याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था याद है ना। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली यादें हैं। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिमी ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैंने लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बना लिया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसी गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती तो वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड लगाता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता। नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई, तन्न से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। टन्न से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया
हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इस वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया। अब उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने दो बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट में वह दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दावा और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई लड़के मेरे साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता में प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पताया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लग कर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोंकने की नौबत आई, युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया, अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी गुल्ली डंडा। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।